हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे आबाद। तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले अच्छे-अच्छे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। मेरा नाम वजाद है, मेरा नाम तो अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर बात करनी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी है तो दे सकते हैं। यार आज का वीडियो बहुत ज्यादा कमाल का निकल कर आ रहा है, बहुत ही रिक्वेस्ट आ रही थी यार इस वीडियो पे। तो वीडियो का टाइटल मैं जल्दी से बता दूं, पाकिस्तान की है, अपने ही लोगों के सोने पर नजर, उसको गिरवी रख कर लेगा लोन। अच्छा, ये क्या सीन है बे, ये लोगों से सोना लेके क्या मतलब ये क्या सीन है बे, ये कोई आइटम है वो यार काफी हैरान कर देने वाला है। मतलब ये टाइटल लोगों से सोना दे के ते लोन देगा, अब देखते हैं वीडियो फिर इसमें पता लगेगा। तो खनन करते हैं, 3-2-1 एंड स्टार्ट। नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। बात करेंगे पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो पानी पानी हुए जा रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार जो है विदेशों से कर्ज के बावजूद भी कम होता जा रहा है। बीते 3 महीनों में पाकिस्तान ने विदेशों से $5 अरब से अधिक का कर्ज ले लिया, लेकिन फिर भी अपनी विदेशी मुद्रा भंडार को संतुलित नहीं कर पाया है। और अब स्थिति ऐसी आ गई है कि पाकिस्तान में जल्द ही आपको विद्रोह देखने को मिल सकता है। हम क्यों ऐसा कह रहे हैं जरा हम बता देते हैं विस्तार से। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की सरकार की जो निगाहें हैं वो पाकिस्तानियों के सोने पर टिक गई हैं, यानी कि जो आम पाकिस्तानी शहरी या नागरिक है उनके सोने पर पाकिस्तान की से जो सरकार है उसकी नजर है। अपने नागरिकों से सोने के बिस्कुट और सोने के बार अच्छा, जो है वो उधार लेने पर विचार कर रही है। अच्छा, उधार के जो लोगों ने घर पे रखा हुआ है वो कहते हैं कि आर्थिक कार्यकारी परिषद में इस प्रस्ताव पर चर्चा हो गई है। पाकिस्तानी अखबार है ट्रिब्यूनल एक्सप्रेस, उसकी रिपोर्ट क्या कहती है दोस्तों आपको बताते हैं। उधार प्रस्ताव के जो मुताबिक है सोना, फिर लोगों को देगा कौन उधार, ब्याज दर का भुगतान करेंगे और उन्हें छूट भी दी जाएगी। ये मैं आपको आगे भी बताता हूं ये क्या मंसूबा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास सोना जमा करेंगे। पाकिस्तान का केंद्रीय बैंक सोने को विदेशी भंडार बढ़ाने के लिए उसका मुद्रांकन अच्छा। कर सकता है। पाकिस्तान अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए अत्यंत महंगी दरों पर पहले ही विदेश से कर्ज ले चुका है, लेकिन दाल गलती हुई नजर नहीं। कर्जा मारा आई थिंक $120 बिलियन के आसपास है। 31 दिसंबर 2021 के रिजर्व पोजीशन स्टेटमेंट के अनुसार केंद्रीय बैंक के पास पहले से ही जिंदगी में मैं तो पहली दफे ये सुन रहा हूं। वही ना, मैं खुद भंडार है जिसका मूल्य $3.8 अरब है। SBP के बयान के मुताबिक केंद्रीय बैंक का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार घट रहा है और 11 फरवरी से $17 अरब तक गिर गया है। प्रधानमंत्री इमरान खान को नागरिकों से सोना उधार लेने का यह प्रस्ताव शुरू में एक प्रवासी ताहिर महमूद ने दिया था। अच्छा। इमरान खान ने तब मामले को EEC के पास भेज दिया था। EEC ने इस प्रस्ताव को विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने और सोने जैसे निष्क्रिय संपत्ति के खिलाफ बाजारों में अधिक नगद लाने के लिए मंजूरी अब दे दी है। अच्छा। पिछले जो EEC की बैठक में पाकिस्तान के वित्त मंत्री थे शौकत तरीन, उन्होंने कहा था कि सोना उधार लेने का उद्देश्य विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए सोने को विदेशी मुद्रा में बदलना है। वित्त मंत्री का मानना है कि देश में निष्क्रिय पड़ा सोना अब उत्पादकता में बदल जाएगा। सूत्र कहते हैं कि बैंक केवल सोने के बिस्कुट और बार ही स्वीकार करेंगे, सोने के गहने को नहीं लिया जाएगा। EEC के साथ साझा किए गए कुछ अनुमानों के मुताबिक लोगों के पास लगभग 5000 टन सोने की छड़े और बिस्किट हैं, लेकिन 5000 टन है अभी भी, कौन छुपा के बैठा हुआ है इतने ज्यादा। कि लोग फेडरल बैंक पाकिस्तान के पास होंगे तो सही, रिटर्न में अपने सोने की पूरी जानकारी नहीं देते हैं। EEC के में जो है इस मुद्दे पर चर्चा हुई कि लोग अपने सोने के बिस्कुट और बार सरकार को देंगे और उनको माफी मिल जाएगी। ऐसी आशंकाएं हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए सोना उधार लेने की ये योजना फेल भी हो सकती है। आमतौर पर पाकिस्तान सरकार की ज्यादातर स्कीमें फेल ही होते रहती हैं। सोना मालिकों को सोना खरीदने के स्रोत का खुलासा करने के लिए कहा जा सकता है, जिसके कारण वो अपना सोना बैंकों तक लाने से कतराएंगे। जाहिर तौर पर अगर वो 3-5 का सोना होगा तो वो क्यों लफड़े में पड़ने जाएंगे, और वो हो जाएंगे पाकिस्तान सरकार की इस स्कीम से 9-2-11। और पाकिस्तान की जो सरकार है वो सपने देख रही है विदेशी मुद्रा जो भंडार है उसको बढ़ाने का, वो हो जाएगा प्लान फ्लॉप और पाकिस्तान जिस तरीके से दुर्गति की तरफ बढ़ रहा है। यार मतलब ये समझ नहीं है यार, लोगों से उधार में सोना लेते हैं आखिर पीछे बोलते हैं ये सोना क्या खत्म हो गया है, फिर बंदा क्या करेगा, वही ना क्या हाल हो गया है। तो देखते रहिए भारत तक। तो ऐसे के साथ वीडियो खत्म। मतलब यार सोना लेंगे उधार,
और लोगों से, मतलब फिर लोगों को सोना उधार वापस कौन करेगा? ये ऐसा मसला है कि हुकूमत तभी लोगों से करेगी, आपके पास जो सोना पड़ा हुआ है, जो खाती पीते घराने के लोग हैं ना, गरीबों के पास क्या होगा? गरीबों के पास हो, चांदी की अंगूठी नहीं होती है तो खाती पीते लोग हैं, उनके अपील करेगी कि खजाने में जमा कराएं, भाई सालाना या महीने का आपको इतना मुआवजा है, इसका प्रॉफिट या थोड़ा बहुत जो बनता हुआ वो मिलेगा। अच्छा। फिर लोग खुशी खुशी बोलेंगे कि चलो जमा करा देते हैं, ऐवे अच्छा। भी घर पड़ा हुआ है, चलो कुछ मिलता ही रहेगा। अच्छा। इसकी कीमत भी बढ़ती रहेगी और मुनाफा भी मिलता रहेगा। अच्छा, ये सीन है, ये सीन। तो आपको क्या लगता है ये प्रॉफिट जाए, मतलब कि कुछ किससे कामयाबी मिलेगी? यार ये कामयाबी ऐसी मिलती है अगर इनके पास चलो 40-50 टन जमा हो जाता है, इनके पास जमा हो जाता है, फिर इनको कर्जा आसानी से मिल जाएगा ना बाहर से, बाहर से इंटरनेशनल लेवल पे डॉलर आ सकते हैं, उनको बोलेंगे आपके खजाने में। तो जब इनको वापस अपना वो सोना चाहिए होगा तो फिर वो फिर लिखाएंगे ना 5 साल तक आपको नहीं वापस कर सकते, या 3 साल तक आपको। अच्छा, सही। तो मतलब यार चलो बाबा जो अमीर होंगे वो किधर से सोने के बिस्कुट देंगे, वो बोलेंगे भाई हमारे घर में पड़ा है, हमें ऑलरेडी फैक्ट्री है, लगा लेंगे मुल्क पाइप बड़ी अरसा हो गया, मैंने कभी सुना नहीं है किस हुकूमत ने लोगों से सोने की अपील की हो। मतलब पाकिस्तान में अजीब अजीब चीजें देखने को मिलती है, और हमें जो चीज पाकिस्तान से नहीं पता लगती वो आप लोगों से ही हमें पता लग जाती है, 12 तक से पता चल जाती है कि भाई ये सीन चल रहा है। वाकई में काफी फनी चीज भी है, फनी है। गुरबत ऐसी दूर नहीं होती है, इस तरीकों से क्या होगा यार, मतलब कि सोना सोना ले के भी उधार आगे से लेंगे भाई, उन मेरी बात सुने, वो लोगों से सोना लेके भाई तो नहीं सकता ना। चलो यार वो सोने का कुछ इन्वेस्टमेंट में करो, फैक्ट्री है शर्ट लगा कुछ लगाए, लेकिन भाई मजे की बात है सोना लेके भी आगे, वो सोना दे के आगे से उधार लेंगे, उधार लेंगे, मतलब सोना बैंक के पास इतने टन सोना पड़ा हुआ है, फिर उसके मतलब मुकाबले में जो डॉलर मिलेगा। ओ भाई सब, मतलब यार हमारी स्ट्रेटजीज देखो ना यार, यार ऐसा करे ना, एक तरीका है, सारे जो अमीर के खाती पीते गिराने के लोग अपील करें कि कर्जा है मुल्क पे बहुत बड़ा, जितना सोना है सारा दे दो, कर्ज खत्म कर। तो कौन देगा? मैं कहता हूँ एक फूटी कौड़ी ना निकाल ले तो भाई। ओ यार इन चीजों से आपकी गुर्बत दूर नहीं होगी, बराए मेहरबानी एक्सपोर्ट पे तवज्जो दो और मुल्क में फैक्ट्रियां और तरह तरह की जिनसे ये चीजें दूर हो। ये सोना इकट्ठा करने से या डॉलर इकट्ठा करने से कुछ भी नहीं बनता, कुछ नहीं बनता, क्योंकि यार ये जुगाड़ी काम है, ये साल चल जाएगा, 6 महीने चल जाएगा, बात आती है कि लॉन्ग टाइम का क्या प्रोसेस है। कोई चीजें सीखनी है तो आपने पड़ोसी इंडिया से सीख लो, मेड इन इंडिया उन्होंने चलाया हुआ, अपने देश में भी मेड इन पाकिस्तान चलाओ और एक्सपोर्ट की तरफ तवज्जो दो, मतलब ताकि एक्सपोर्ट इतनी हो कि इंपोर्ट पे हमारा तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है हमारे पाकिस्तान के स्टेप पे, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तेरी वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।